नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन इन दिनों इंडिया गठबंधन में तनाव देखने को मिला था। इस बीच कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एक्टिव होगा। 28 नवंबर के बाद यानी विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभी नेताओं से बात करेंगे और लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर योजना बनाई जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जब टिकट बंटवारा हुआ तो कांग्रेस ने बिजावर सीट से अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा। उस सीट से पहले ही समाजवादी पार्टी को 2018 में जीत मिली थी। ऐसे में सपा को उम्मीद थी कि वो एमपी की सीट पर फिर से जीत हासिल कर लेगी, मगर कांग्रेस के जरिए यहां से अपना उम्मीदवार उतारे जाने से सपा प्रमुख अखिलेश यादव नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर है, उन्हें ये चीज साफ करनी चाहिए थी। कोलंबिया की सरकार ने 315 साल पहले डूबे एक जहाज को कैरेबियन सागर से निकालने का फैसला किया है। माना जाता है कि डूबने से पहले सैन होजे नाम के इस जहाज पर सोने चांदी सहित 1,66,000 करोड़ डॉलर का 200 टन खजाना लदा हुआ था। साल 1708 में ये किंग फिलिप वी के बेड़े का हिस्सा था। स्पेन को जीतने के लिए जंग के दौरान ब्रिटिश नेवी के हमले में सैन होजे जहाज डूब गया था। तब इस पर 600 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ 11 लोग ही जिंदा बच पाए। 2015 में कोलंबियाई नेवी के डाइवर्ट्स को जहाज का मलबा पानी में 31,000 फीट नीचे मिला। तब इस खोज को कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सेंटोस ने मानव इतिहास में मिला सबसे कीमती खजाना बताया था। सैन होजे को जहाज के मलबे की पवित्र कब्र भी कहा जाता है। इस जहाज के मलबे को लेकर स्पेन, कोलंबिया और बोलीविया के कहारा समुदाय के लोगों में विवाद है। टाटा ग्रुप वोल्टास लिमिटेड के होम अप्लायंसेस बिजनेस को बेचने पर विचार कर रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया कि सूत्र के अनुसार टाटा ग्रुप को लगता है कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है और आने वाले दिनों में उसे अपना बिजनेस बढ़ाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये विचार अभी शुरुआती चरण में है। आज कंपनी के शेयर में 1.50% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। ये दोपहर 3:15 पर 13.95 रुपए की गिरावट के साथ 813.95 रुपए पर कारोबार कर रहा है। हाल ही में वोल्टास के वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए गए थे। इसके दौरान कंपनी का एडजस्टेड प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 64.4% की गिरावट के साथ 35.6 करोड़ रुपए पर आ गया है। पिछले साल की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 100 करोड़ रुपए था, वहीं आय 29.7% की गिरावट के साथ 2,293 करोड़ रुपए पर रह गई। नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता अल्वेश यादव को सांप के जहर मामले में पुलिस के सामने पेश होने के लिए नोटिस दिया है। अल्वेश को अब जल्द ही नोएडा पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस मामले में मंगलवार शाम तक नोएडा पुलिस को गिरफ्तार पांचों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल सकती है। गिरफ्तार आरोपी राहुल से अल्वेश यादव का सामना नोएडा पुलिस करवा सकती है। बता दें कि नोएडा पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ओटीटी रियलिटी शो बिग बॉस के विजेता अल्वेश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ रेव पार्टी में कथित तौर पर सांप के जहर का इस्तेमाल करने के लिए 3 नवंबर को वन्यजीव कानून और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस के अनुसार 3 नवंबर को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 कोबरा समेत 9 सांपों को छुड़ाया गया और सांप का 20 मिलीमीटर संदिग्ध जहर भी बरामद किया गया। यूपी के 9 शहर वायु प्रदूषण की चपेट में है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा की एयर क्वालिटी डेंजर जोन में है। हालांकि इससे अगले 48 घंटों में थोड़ी राहत मिलने वाली है। उत्तर पश्चिम हवाएं प्रदूषण अपने साथ उड़ा ले जाएंगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।
ये हवाएं लगातार 5 से 7 दिनों तक चल सकती है। इससे करीब 50% प्रदूषण कम होगा। उसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण से IIT कानपुर की मदद से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। इसको लेकर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय के कार्यालय ने IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल से संपर्क किया है और कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए कहा है। प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि जैसे ही दिल्ली सरकार परमिशन ले लेती है वैसे ही कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी। इस मामले में DGCA का कहना है कि इस प्रक्रिया के दौरान कोई फ्लाइट डाइवर्ट नहीं होगी ना ही लेट होगी, हल्की बारिश करवाई जानी है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।